गैलेक्सी सीरीज इन्वर्टर जो कि एक ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है और साथ में इस इन्वर्टर की पोल खोलेंगे। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है साल की नंबर वन वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सावोल्ट। टेक्सावोल्ट की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे देश के नंबर वन हाइब्रिड इन्वर्टर सेल्ट्रोनिक की गैलेक्सी सीरीज के इन्वर्टर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और इस हाइब्रिड इन्वर्टर की पोल खोलेंगे कि जो भी सेल्ट्रोनिक कंपनी दावा करती है आखिर उस क्वालिटी का ये इन्वर्टर है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है सेल्ट्रोनिक की गैलेक्सी सीरीज का इन्वर्टर। आइए इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले इन्वर्टर के फ्रंट के स्क्रू ओपन करने हैं। इन्वर्टर के स्क्रू को ओपन करने के लिए हमें एक एल की मिलती है जो कि इन्वर्टर के साथ ही आती है। हमें एल की मदद से इन्वर्टर के स्क्रू को ओपन करना है। तो सबसे पहले इन्वर्टर के फ्रंट को ओपन करते हैं। तो अभी हमने इन्वर्टर के सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब हमें दिखाई दे रहा है इन्वर्टर के अंदर के कनेक्शंस। तो अभी इन्वर्टर को पूरा ओपन करने के लिए हमें इन्वर्टर के अंदर के कुछ और कंपोनेंट्स को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमें ओपन करना है इन्वर्टर का वायर कवर, इसको ओपन करते हैं। ये है डिवाइस का कवर, इसे भी हमने अभी निकाल दिया है। बैटरी की वायर्स को हमने निकाल दिया है। ये है इन्वर्टर की बैटरी वायर्स का कवर जिसे हमने ओपन कर लिया है। हम इन्वर्टर को पूरा खोल कर दिखाएंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो अभी इन्वर्टर के बाकी स्क्रू को ओपन करने के लिए इन्वर्टर को बैक साइड से खोलना पड़ेगा। ये है इन्वर्टर की हीट सिंक, इसे भी हमें ओपन करना है क्योंकि ये हीट सिंक इन्वर्टर के साथ अंदर से कनेक्टेड है। इन्वर्टर की हीट सिंक को खोले बगैर हम इन्वर्टर को नहीं खोल सकते, इस वजह से हमें इन्वर्टर की हीट सिंक को ओपन करना पड़ेगा। और ये हीट सिंक ओपन हो चुकी है। आइए इस इन्वर्टर को अब पूरी तरह से खोल लेते हैं। तो ये है इन्वर्टर के सभी कार्ड्स और कंपोनेंट्स। आइए जान लेते हैं इनके बारे में।
ये है इन्वर्टर के इनपुट की फर्स्ट रिले और ये है सेकंड रिले। ये है इन्वर्टर का मदर कार्ड। ये है इन्वर्टर का मेन कार्ड और ये है कंट्रोल कार्ड। और इन सभी के नीचे है ये बॉटम कार्ड और ये है इन्वर्टर का इंटरनल फैन। इस इन्वर्टर के अंदर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी हमें टोटल 6 कार्ड इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये है इन्वर्टर की डिस्प्ले स्क्रीन जिसकी मदद से हम इन्वर्टर की सेटिंग्स को देख पाते हैं और इसकी सेटिंग को चेंज कर पाते हैं। एक बार फिर से हम इन्वर्टर के अंदर के सभी कंपोनेंट्स को ध्यान से देखते हैं। तो ये है सबसे पहली इनपुट रिले, ये इन्वर्टर की फर्स्ट रिले है और ये है इन्वर्टर की सेकंड रिले। ये है इन्वर्टर का कैपेसिटर कार्ड, ये है इसका कंट्रोल कार्ड और यहाँ रिले के नीचे जो एक कार्ड लगा हुआ है ये इसका मदर कार्ड जिसके ऊपर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। और इसके सबसे नीचे है बॉटम कार्ड जो कि हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है। और ये है इन्वर्टर का इंटरनल फैन और ये है इन्वर्टर का इनपुट आउटपुट और पैरेलल कार्ड जिसकी मदद से हम इन्वर्टर के अंदर इनपुट और आउटपुट दे सकते हैं। ये कंट्रोल करता है इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट पावर को और उसी के साथ ही पैरेलल कनेक्शन को। इसकी मदद से हम इन्वर्टर के साथ और इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ये है इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन और ये है इन्वर्टर का पीवी स्विच जिसकी मदद से हम इन्वर्टर के सोलर पैनल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये है सेलक्रोनिक के गैलेक्सी इन्वर्टर के सभी कंपोनेंट्स। हमें पहले लगता था कि ये इन्वर्टर काफी लाइट वेट है यानी इस इन्वर्टर के अंदर काफी लो क्वालिटी कंपोनेंट को यूज किया होगा, लेकिन हमने इस इन्वर्टर को खोल के पाया कि ये इन्वर्टर काफी हाई क्वालिटी है और इसके अंदर काफी हाई क्वालिटी के कंपोनेंट को यूज किया गया है। और ये इन्वर्टर एक ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है जिसकी वजह से इस इन्वर्टर में लॉसेस काफी कम यानी जीरो के बराबर होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हम ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करते रहिए। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।